लोग हैं वेगा सिटी मॉल में और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। कुछ क्रेजी करने का मन किया है। हम लोग आ गए अवतार देखने के लिए और दो रीज़न था सुबह का टाइमिंग चूज करने का कि एक तो सीट्स नहीं अवेलेबल थी, हमें तुरंत देखना था और बैंगलोर का ट्रैफिक अवॉइड करना था। तो हम लोग 30 मिनट्स में यहाँ पहुँच गए। ये लेट्स गो। अवतार का 4D वाला स्क्रीन चूज किया है हमने, हमारी सिटी में अवेलेबल नहीं है 4D, तो हम लोग यहाँ से 4D देख के जा रहे हैं। पूरा मॉल खाली है, कोई नहीं है। दिस इज माई फर्स्ट मूवी इन बैंगलोर, लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स नहीं आ सके हमारे साथ मूवी देखने के लिए, हमको भी बहुत मन था, उनकी बेटी है 2 साल की, तो उन्हें लगा कि तंग करेगी तो नहीं देख सके। लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग में भी लोग बच्चों के साथ आए हुए हैं, छोटे छोटे बेबीज के साथ आए हुए हैं। मूवी का टाइमिंग तो 6:40 था, लेकिन 40 मिनट्स एटलीस्ट एडवर्टीजमेंट चला। तो अगर आप लेट भी हो गए हो और आपको मूवी आनी हो तो घबराइए नहीं, आपके पास एटलीस्ट और 40 मिनट्स का टाइम है। मूवी के बाद हम लोग आ गए कुछ पेट पूजा करने के लिए। इतनी सुबह तो कुछ खुला नहीं था, KFC भी ओपन नहीं हुआ था उस टाइम तक। तो हमने ऑर्डर किया बर्गर किंग से 2 बर्गर्स, कोक और चिकन नगेट्स। पेट पूजा करने के बाद हम लोग आ गए हैमलीज़ में, हमें कुछ गिफ्ट्स लेने थे। और यहाँ पे आ करके तो पता चलता है यार, हमारा बचपन, आजकल के बच्चों को जो चीज़ें मिल रही है ना, हमें वो मिली होती तो हम लोग पागल हो जाते। ऐसे ऐसे खिलौने थे यहाँ पे कि हमारा मन ललच रहा था उनको लेने के लिए। और सच्चाई भी यही है कि लोग खिलौने ना, खासकर जब अपने बच्चों के लिए ख़रीदते हैं तो अपना शौक़ देखते हैं, अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो खिलौने ख़रीदते हैं। तो हमने गिफ्ट चूज़ किया और फिर ये आइसक्रीम चीज़ केक ट्राई किया। आइसक्रीम देखने में उतना अच्छा नहीं था बट खाने में टेस्टी था, ऑल्दो थोड़ा महंगा था। इसके बाद हम लोग निकल पड़े वापस घर के लिए क्योंकि 12 बज चुके थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये है आई एम का बिल्डिंग। मूवी की बात करें तो मूवी काफ़ी विविड था, इसका सारा विजुअल्स बहुत अच्छा था। मूवी 3 घंटे की थी, ये एक इसका ड्रॉबैक था, लेकिन 3 घंटे तक आपको ये फील नहीं होगा कि आप बोर हो रहे हैं क्योंकि हर चीज़ बहुत इलाबोरेट तरीके से बनाई गई है। 3D इफेक्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छा है। हाउएवर जो 4D इफेक्ट हम लोग देखने के लिए गए थे, जो कुर्सियाँ थी हमारी वो हिल रही थी, स्लाइड कर रही थी, वाटर वेपर आ रहा था, तो कुछ कुछ सीन में तो लग रहा था कि हाँ ठीक है इफ़ेक्ट आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम सीन में वो जो वाइब्रेशन था चेयर्स का वो सिंक्ड नहीं था और हो भी नहीं सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्शन हो रहा है। अब जैसे बाइक चल रही है तो चेयर्स को आगे जाना है इस तरह से करके और वैसा फील होना चाहिए, तो उस तरह का नहीं था सीक्वेंस। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कुर्सी थी वो बस हिल रही थी ज़ोर ज़ोर से और फील हो रहा था कि बस हिले ना ये, शांति से हमें ये मूवी देखने दे। तो 4D से बेटर है कि आप 3D मूवी देख लीजिए, वो बेस्ट है। 4D उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा मुझे। कुछ कुछ सीन्स में लग रहा था कि हाँ जहाँ पे पानी उड़ रहा था और वाटर वेपर्स आ रहे थे तो वो अच्छा लग रहा था। मूवी का प्लॉट बहुत ही सिंपल है, मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, लेकिन विजुअल्स बहुत ग्रैंड है, VFX बहुत ही अच्छा है। तो जाइए मूवी देखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।